आज जिस मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल है। इसमें एक बुक रहता है जिसका नाम डेथ नोट रहता है और उस बुक में जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना। मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम लाइट होता है और उस टाइम लाइट अपने स्कूल में होता है और तभी अचानक वेदर चेंज होने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती है और फिर अचानक से आसमान से एक बुक टपकता है और वो बुक लाइट को मिल जाती है जिस पे लिखा रहता है डेथ नोट। फिर लाइट उसे चेक करता है और अपने पास रख लेता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये बुक कोई आम बुक नहीं थी बल्कि एक एंशियंट बुक थी और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और लाइट अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है वो देखता है कि स्कूल का एक नॉटी लड़का दूसरे स्टूडेंट को परेशान कर रहा होता है और मार रहा होता है और लाइट उसे ऐसा करने से मना करता है और उल्टा वो लाइट को ही पंच मारता है और लाइट बैग समेत नीचे गिर जाता है। फिर एक टीचर को लाइट के बैग से उसका एक नोटबुक मिलता है जिससे लाइट का सीक्रेट का पता चल जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट का होमवर्क करता है और इस बात के वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है पनिशमेंट के लिए। फिर पनिशमेंट देने के लिए लाइट को एक रूम में अकेला छोड़ दिया जाता है और जब वो अकेला बैठा होता है उस रूम में तो उसे उस एंशियंट बुक की याद आती है और फिर वो उस बुक को रीड करने लगता है। और ये कोई सिंपल बुक नहीं थी, इस बुक को रखने के भी काफी सारे नियम थे, रूल्स थे और ये बुक हजारों साल पुरानी थी। और इस बुक को पाकर लाइट को काफी ज्यादा अजीब फील होता है और जब लाइट उस बुक को रीड करने लगता है तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें लगती है और फिर लाइट वहाँ पे एक अजीब सी चीज नोटिस करता है जो कि एक इंसान तो नहीं था बल्कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्रिएचर था। उसकी बॉडी की स्किन नोकदार थी, वो दिखने में काफी ज्यादा भयानक और क्रीपी लुक दे रहा था। लाइट उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है लेकिन थोड़ी देर में उसे सारी बातें समझ में आने लगती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी कि मौत का फरिश्ता। और ये एंजल ऑफ डेथ इस बुक का गार्जियन है और एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये बुक क्या क्या कर सकता है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स है जिसे डेथ नोट कहा गया है और जिस इंसान के पास ये बुक होता है वही इसका ओनर होता है, यानी उस टाइम इस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की यूनिक बात ये थी कि इसके डेथ नोट पे जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी भी इंसान को मार सकता है, जैसे कि वो कोई भी तरीका चूज करके बुक में राइट कर दे, तो मरने वाला सेम उसी पैटर्न से उसी तरीके से मरेगा। बट ऐसा करने के लिए उस बुक के ओनर को कुछ रूल्स फॉलो करना होगा। लाइट अभी इस बुक के ऊपर बिलीव नहीं करता बट वो एंजल ऑफ डेथ उसी इंसान को नजर आता है जो कि उस बुक का ओनर होता है और अब एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि 7 दिन में उसे कम से कम एक आदमी का नाम तो उस बुक में लिखना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। और किसी का भी नाम बुक में लिखने का शर्त ये है कि ओनर को उसका फेस और उसका ओरिजिनल नेम जरूर पता होनी चाहिए और मौत का कोई ऐसा तरीका लिखना होगा जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। और एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम्हें एक बार इस बुक को जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो तभी लाइट खिड़की से उसी शैतान लड़के को देखता है जो कि लाइट को भी मारा था और दूसरे लड़के को परेशान कर रहा होता है और एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बंदे का नाम लिख देता है बुक में और तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश हो जाएगा। फिर हम बाहर का नजारा देखते हैं जो कि अचानक से चेंज हो जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती है और 1 गाड़ी के ऊपर लेडर रखी होती है जिससे सच में उसका सर क्रश हो जाता है। लाइट समेत सारे लोग ये चीज देख के शॉक हो जाते हैं। ये सब देख अब लाइट को भी यकीन हो गया था जो कुछ भी उस एंजल ऑफ डेथ ने उसे बताया है वो सारी बातें सच है। इसी वजह से लाइट अब काफी ज्यादा डर जाता है और फिर एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि तुम इस बुक के मदद से बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन अगर तुम इस बुक को नहीं लेना चाहते हो तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर वापस आ जाता है। फिर लाइट घर पे अपने फादर को देखता है जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ साल पहले लाइट के मदर को एक गुंडे ने मार दिया था लेकिन वो क्रिमिनल सबूत ना होने के कारण खुला घूम रहा था। इस बात से दोनों बाप बेटे का रिश्ता जो था वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। लाइट अपने पापा से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहता है कि आप मेरे मदर का मौत का बदला नहीं ले रहे हो। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है और वो उस क्रिमिनल का नाम उस बुक में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि पार्टी कर रहा होता है और अचानक से देखते ही देखते उस क्रिमिनल का मौत हो जाता है और जब बाप बेटे को उस क्रिमिनल के मौत
का पता चलता है तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन दोनों के बीच की रिश्ता भी अब ठीक हो जाता है। फिर लाइट सोचता है कि आखिर इस बुक का इस्तेमाल कैसे अच्छे कामों के लिए किया जाए। लाइट स्कूल में बैठ के यही बात सोच रहा था, बट तभी अचानक उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मिया। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है और इसी वजह से लाइट अपना सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है कि अगर उस पे हम किसी का भी नाम लिखते हैं तो वो मर जाता है। लेकिन मिया उस बात पे बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाता है जहाँ पे एक किलर को दिखाया जाता है और उस किलर के बारे में लाइट उस बुक में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी जिसके वजह से वो मर जाएगा। बट लाइट और मिया दोनों को ही उस क्रिमिनल का शक्ल और नाम का पता था जिसके कारण उसका मौत वैसा ही हो जाता है, जिसे देख मिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि अब वो बहुत बड़ी ताकत का मालिक है और अब हम इस बुक के मदद से सारे बुरे लोगों को क्रिमिनल लोगों को मिटा देंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें नाम और पता इजीली इंटरनेट से मिल जाता था, इसीलिए वो बुरे लोगों का एक पूरा लिस्ट बनाते हैं और क्रिमिनल लोग आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मरने भी लगते हैं। और यहाँ से हमें ये भी जानने को मिलता है कि बुक का ऑनर मरने वाले के ऊपर कंट्रोल भी कर सकता है, यानी कि जो कोई भी मरता था वहाँ पे लाइट कीड़ा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में उसका नाम का दहशत फैल जाए और उसे देख के बाकी सारे लोग गलत काम छोड़ दे कि अब सारे लोगों को मारने वाला एक सुपर हीरो कीड़ा आ गया है। और देखते ही देखते पूरे दुनिया में ये न्यूज फैल जाती है कि क्रिमिनलों को मारने वाला हीरो आ चुका है जिसका नाम कीरा है। और कुछ लोग कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि कम से कम कोई तो है जो इस दुनिया से बुरे लोगों को खत्म कर रहा है, लेकिन था तो वो एक क्रिमिनल ही जिसके कारण पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। बट कोई भी सबूत कीरा के खिलाफ नहीं था जिसके कारण लाइट के पास पहुंचना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है और इस डिटेक्टिव का नाम होता है एल, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट था, जो कि अपने फेस को हमेशा कवर रखता था और उसका नाम भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मिया अपने लाइफ में काफी ज्यादा खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि कीरा तुम सबके सामने आ जाओ। एल काफी ज्यादा स्मार्ट था जिसके लिए वो केस को शुरुआत से ही देखता है। एल का फादर भी एक डिटेक्टिव था जिसके कारण एल अपने साथ उसे मिला लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मिया काफी ज्यादा वरीड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ने की भी साजिश होगी, क्योंकि अभी तक तो वो मजे कर रहे थे, लेकिन एल की एंट्री ने उनके टेंशन को बढ़ा दिया। और लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा पकड़ा गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। आधे लोग कहेंगे कि उसको फांसी होनी चाहिए और आधे लोग कहेंगे कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। और ये बात सुन के लाइट काफी ज्यादा डर जाता है और ये सारे बात मिया को भी बताता है और वो उसे कहता है कि अभी हमें ये सारी चीजें रोक देनी चाहिए, क्योंकि एल के दायरे में वो सारे लोग थे जिसमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वो अपने फादर के डेटा को काफी इजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट के एक्टिविटीज पर नजर रख सके। और जब लाइट को इस बात का पता चलता है तो वो अपने आप को नॉर्मल रिएक्ट करता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देख मिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये सब करके मिया को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लाइट और मिया के लिए उनके रास्ते का पत्थर और सबसे बड़ा नासूर एल बन गया था, लेकिन वो चाह कर भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना तो एल ने कभी किसी को अपना शक्ल दिखाया और ना ही उसका नाम किसी को पता था, जो कि बुक का रोल भी कहता है। लाइट और मिया इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में वो सारे एजेंटों का नाम लिख देना चाहिए जो कीरा को ढूंढ रहे थे, ताकि बाकी डिटेक्टिव और मजबूरन इस केस को बंद करना पड़े। लेकिन ये सब मिया करना चाहती थी, बट लाइट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था कि वो इनोसेंट लोगों का जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए मिया को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो एग्री करती है। दूसरी तरफ एल को भी ये बात पता चल जाती है कि कीरा ने सिर्फ उसी लोगों को विक्टिम बनाया है जिसका नाम टीवी पे आता है, यानी कि न्यूज में आता है, और कीरा उस लोगों को नहीं मार सकता जिसका नाम और फेस वो नहीं जानता और उस पे शक ना हो, जिसके लिए लाइट कुछ दिन के लिए लोगों को मारना बंद कर देता है। बट अचानक से एक सडन इंसिडेंट होता है जिसमें वो काफी सारे एजेंट छत से कूद के खुदकुशी कर लेते हैं, जो कि इस केस में कीरा को ढूंढ रहे थे। बट लाइट ने उन एजेंटों का नाम तो नहीं लिखा था, तो फिर किसने लिखा था? और यहाँ से सिचुएशन खराब होने लगती है, क्योंकि अब तक वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता आ रहा था, सब उसे हीरो समझते थे, बट अब तो उसने पुलिस लोगों को भी मार दिया, जिसके लिए वो अब एक खतरा बन चुका था जो कि किसी को भी मार सकता था। इस बात को लेकर लाइट काफी ज्यादा वरीड हो जाता है। फिर वो एंजल ऑफ डेथ से पूछने लगता है कि ये सब क्या तुमने किया है। फिर वो एंजल ऑफ डेथ बताने लगता है कि ये नाम किसी और ने लिखा है, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता।
लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज भी करते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, कि अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज लाइट और मिया भी देख रहे होते हैं। गुस्से में मिया कहते हैं कि तुम अपने पापा का नाम भी लिख दो उसमें। फिर लाइट मिया को कहता है कि मैं अपने पापा को कैसे मार सकता हूँ, तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और दूसरी तरफ एल और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था और फिर वो ये देखता है कि क्या लाइट के फादर को कीरा मारेगा या नहीं। मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि लाइट अपने फादर को नहीं मारते हैं, जिसके कारण एल का शक उसके ऊपर और ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो भी एक डिटेक्टिव ही है जो कि इस केस को हैंडल कर रहे हैं, मगर कीरा ने उन्हें नहीं मारा। यानी कि कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है। इसीलिए रात को एल लाइट से मिलता है, फिर उससे सारी बातें उगलने की कोशिश करवाता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से काफी सारी क्वेश्चन भी करता है और उसे उलझाने की कोशिश भी करता है और लास्ट में वो अपना फेस भी दिखा देता है और कहता है कि ये सब करना बंद कर दो। लाइट उसके बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा उसके सर पर ही था, वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मिया लाइट से कहते है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी कुछ सोचता है और कहता है कि मैंने तो एल का चेहरा देख ही लिया है, मगर उसका ओरिजिनल नेम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट उसके फ्रेंड का नाम अपने बुक में लिख देता है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ पे बुक का एक और रूल समझ में आता है कि अगर ओनर ने बुक का पेज जला दिया तो वो पर्सन बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। बट एंजल ऑफ डेथ उसे कहता है कि ये सिर्फ एक ही बार होगा और अब एल का फ्रेंड उसके कंट्रोल में आ चुका है। बट एल का फ्रेंड भी उसका ओरिजिनल नेम नहीं जानता था और लाइट उसे कहता है कि तुम किसी भी तरह उसका ओरिजिनल नाम का पता करो। एल का फ्रेंड उसे बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, शायद वहाँ पे उसका ओरिजिनल नाम हो। इसीलिए लाइट उसे फौरन उस एकेडमी में जाने को कहता है। एल का फ्रेंड ऐसा ही करता है और वो तुरंत एकेडमी में पहुँच जाता है। लाइट का प्लान ये था कि जब एल का फ्रेंड उसका ओरिजिनल नाम पता कर लेगा उसके बाद वो पेज को जला देगा जिससे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को डाउट हो जाता है कि उसका फ्रेंड कहीं मिसिंग है और एल को डाउट होता है कि कहीं उसके फ्रेंड को भी लाइट ने कंट्रोल ना कर लिया हो मेरा असली नाम जानने के लिए। इसके बाद एल काफी ज्यादा वरीड हो जाता है। इसीलिए एल बिना इन्फॉर्म दिए लाइट के घर पहुंच जाता है और वो लाइट को फादर को कहता है कि तुम्हारा बेटा ही असल कीरा है और इसी ने ही मेरे फ्रेंड को गायब भी किया है। क्योंकि लाइट के ऊपर किसी को भी शक नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। एल उसके घर की तलाशी लेता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही उसे एंशियंट बुक, क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि मैं एकेडमी पहुंच गया हूं। उसके पास बस थोड़ा ही टाइम बचा था और एल का फ्रेंड बस नाम बताने ही वाला होता है। और जब वो उस पेज को जलाने लगता है तो पता चलता है कि वो पेज तो उस बुक में है ही नहीं, किसी ने फाड़ रखा है ये। इसीलिए नाम बताने से पहले ही उसके फ्रेंड का मौत हो जाता है और इसके बाद लाइट को काफी ज्यादा दुख होता है। फिर एक डांस क्लब में मिया लाइट से मिलती है और वहाँ पे वो ये बताती है कि वो पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और वो एजेंट और पुलिस वालों का नाम भी मैंने ही लिखा था। और वो बताता है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है उस बुक में। और लाइट का मरने का तरीका ये था कि आधी रात को उसका हार्ट बीट बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। और वो बोलती है कि अगर तुम ये बुक मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगा। यानी कि मिया उस किताब को हासिल करना चाहती थी प्यार का बहाना करके। और जब एल को उसके फ्रेंड का डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। एल फिर लाइट को पकड़ ही लेता है और एल बगल में खड़े एक शेफ को कहता है कि ये कीरा है। फिर वो शेफ उल्टा एल को ही मार देता है क्योंकि वो कीरा का बहुत बड़ा फैन था। भागते भागते वो मिया को भी अपने साथ ले जाता है और वो लोग एक झूले में आ जाते हैं। वो दोनों ऊपर ही फंस जाते हैं और इतनी ही देर में पुलिस वाले भी आ जाते हैं। लाइट उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस बुक को तुम टच भी नहीं करोगे, हम एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। लेकिन मिया काफी ज्यादा लालची थी और वो बात नहीं मानती। ये देख के लाइट मिया को कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो समझ जाती है कि लाइट ने मेरा नाम भी लिख दिया होगा। और अब दोनों के नाम उस बुक में थे तो सडनली वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में जाके गिरता है। फिर लाइट को हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं और वो कोमा में जा चुका था। इसी दौरान और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स के मौत हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पे था बट वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो अभी भी मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मिया और लाइट झूले से नीचे गिर रहे थे तब उसमें से एक पेज उड़कर आग में जाकर गिरता है और वो जल जाता है और उस पेज पे लाइट का नाम लिखा हुआ था। और लाइट ने एक समझदारी का काम किया था और उसमें उसने लिखा था कि अगर मिया ने उस बुक को ले लिया तो वो मर जाएगी और वो पेज जिस पे लाइट का नाम लिखा हुआ है वो भी जल जाएगा।
और लाइट पानी में गिर जाएगा। और इसी के साथ उसने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी इस बुक में लिख दिया था। और एक बुरा आदमी लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे डॉक्टर के पास भेज देता है, और बाद में वही डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। और फिर एक और आदमी उस बुक को लेता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों का नाम लिख देता है। बाद में उस बुक को वो लाइट के पास लेके आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है और वहाँ उसे मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसरों का नाम लिखे मिलते हैं एक पेज पे, और जिसकी वजह से सारा इल्जाम मियाँ पे आ जाता है। और अब वो बुक लाइट के पास आ चुका होता है और वो भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, और अब वो सबक सीख चुका था कि वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो गाइज, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।